Kadambani Children's Academy, CBSE Affiliated High Tech Education Center, Indira Nagar, Ujjain. नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन आज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। गुरुवार को एक माह तक चल रहे अधिक मास का समापन आज मां शिप्रा में स्नान और देव दर्शन के साथ हो गया। हिंदू मान्यता के अनुसार 3 वर्ष में एक बार अधिक मास का योग बनता है। यह पूरा मास भगवान विष्णु की आराधना का मास होता है। हमारे शहर में इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि मात्र अवंतिका में ही सप्त सागर, नौ नारायण एवं 84 महादेव हैं, जिनकी आराधना इस माह की जाती है। इस पूरे माह शहर सहित बाहर से आए लोगों ने भगवान नारायण की पूजा कर धर्म लाभ कमाया। गुरुवार को एक माह तक चले अधिक मास का समापन हो गया। समापन के अवसर पर सभी ने सप्त सागर, नौ नारायण एवं 84 महादेव की पूजन अर्चना की तथा मां शिप्रा का स्नान कर भगवान से इस पूरे माह में की गई पूजा के फल हेतु कोरोना महामारी के समापन की याचना की। रामघाट स्थित धर्मराज मंदिर के पुजारी पंडित जोशी ने बताया कि 3 वर्ष में आने वाले इस अधिक मास में पूजन अर्चन करने पर कई गुना धर्म लाभ की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास अधिक मास जो है वह 3 वर्ष में चौथे वर्ष में आता है और इस बार जो है अश्विन मास में ये पुरुषोत्तम मास आया है, इसलिए अश्विन मास जो है 2 महीने का पर्व के रूप में हो गया और आज जो है चतुर्दशी उपरांत अमावस्या का पर्व है। आज के दिन पुरुषोत्तम मास की पूर्णाहुति का दिन है। आज के दिन जो भी जातक अगर पूरे महीने भर दान इत्यादि सप्त सागर, नौ नारायण, 84 महादेव इनका दान इत्यादि पूजन नहीं कर सकता है तो आज के दिन अगर वो दर्शन इत्यादि पूजन करता है तो उसको पूरे महीने भर का फल प्राप्त होता है और भगवान लीला पुरुषोत्तम भगवान जिनका इस महीने के अंदर विशेष रूप से पूजन होता है, 3 साल के बाद इनका पूजन होता है 1 महीने के लिए, तो उसका संपूर्ण फल प्राप्त होकर उसके घर में धन धान्य सुख शांति धन ईश्वरी की प्राप्ति बनी रहे। अधिक मास में पूजन करने आई कामिनी खंडेलवाल ने बताया कि इस पूरे माह पूजन कर भगवान नारायण से कोरोना वायरस समाप्ति की कामना की है। नौ नारायण, सप्त नारायण, सप्त सागर और 84 महादेव की पूजा की है हमने और शिप्रा मैया में भी स्नान किया है और 3 साल में एक बार अधिक मास का आता है मैं तो इसका पुण्य प्राप्त किया है। खूब अच्छे से कोरोना काल में भीड़ भी ज़्यादा नहीं है, बहुत अच्छी पूजा हो, इसे कि आशीर्वाद सब पर बना रहे, ये कोरोना जल्दी से खत्म हो जाए और सबको सुख समृद्धि शांति मिले, यश प्राप्ति मिले, धन मिले, वैभव मिले।